असलम कैफे खास करके रमजान सहर के लिए जायकेदार डिशेस तैयार किया है। अगर आप अपने घर के खाने की तरह लजीज जायका चाहते हैं तो आपके लिए सहर स्पेशल असलम कैफे लाए हैं। बैठा खाना, खिचड़ी, खीमा, काजू खुरमा, मटन खुरमा, दाल, जवार की रोटी, गेहूं की रोटी, ये सारे डिशेस आपके लिए आपके घर के जायकेदार डिशेस की तरह बनाए गए हैं सिर्फ असलम कैफे में, जो कि लोकेटेड है टीपू चौक अपोजिट मस्जिद आयशा रिंग रोड गुलबर्गा। अल्हम्दुलिल्लाह कीमा अच्छा है, रोटी भी अच्छी है और बिरयानी भी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। शहर के लिए कैसा क्या भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, शुक्र है, खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इसका बदला अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम। जो असलम कैफे में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे का इंतज़ाम है और खिचड़ी का इंतज़ाम है और रोटी है जवारी की, गेहूँ की रोटी है और अपना कीमा है, काजू राइस है, काजू कौरमा है, मटन कौरमा है और बोले तो दाल है साथ में। जो खाने में जो जायका है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक गुलबर्गे में ये दूसरी होटल है कंपटीशन में चलने वाली, एक जायद एक हमारे असलम कैफे। जब आप आके टेस्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसके बाद बोलेंगे। ये होटल होती है टीपू चौक यादुल्ला कॉलोनी और मस्जिद आयशा के अपोजिट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पहले तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ सभी लोग को और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ असलम कैफे में सहरी का इंतज़ाम रखा गया है यहाँ पर, जैसे कि रोटी, खीमा और बैठा खाना, खिचड़ी, पाया, मटन ग्रेवी और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया हमारे को यहाँ आसपास के लोगों को एरिए के, जैसे कि नगर एरिया है, आजतपुर एरिया है, यदुल्ला कॉलोनी है, टीपू चौक है, अकबर बाग है, कई ऐसे एरिया है, दूर दूर जाके खाते थे, सहरी करते थे, तो आसपास के लोग को अच्छा हुआ जो हमारे इमरान भाई ने ये रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। आसपास हम भी आके सहरी करें यहाँ पर आज अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी एक महीना सहरी का इंतज़ाम का है यहाँ पर। और एक बार आइए आके यहाँ का जायका एक बार चेक करके देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, खीमा, रोटी और मैं खिचड़ी भी खाया, अच्छा लगा, काफ़ी लोग भी खुश हैं खा के अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि हम गए रमज़ान दूसरी जगह जाके सहरी करते थे, आज हम हमारे दोस्त की होटल पे असलम कैफे में करें तो काफ़ी अच्छा लगा जायका। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू यहाँ पर ही करेंगे, हमारे दोस्तों को भी इंशाल्लाह यहाँ पर भी लेकरेंगे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है आइए एक बार असलम कैफे टीपू चौक पर आशा मस्जिद के अपोजिट आके जायका लीजिए एक बार खाने का, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी समझ में आएंगे। एक बार आएंगे तो इंशाल्लाह बार बार आ जाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं और मेरे पास सहरी का इंतज़ाम किया गया है रमज़ान में फर्स्ट रोज़े से। लोगों को बहुत दूर दूर जाके सहरी करना पड़ता था, बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। हम टीपू चौक पे हमारे असलम कैफ़े में ये चालू करे हैं, ओपन करे हैं और यहाँ पर बैठा खाना, खिचड़ी, बीफ ग्रेवी, खीमा, रोटी, जवारी की, गेहूँ की, पूरा घर का हमारे पास जायका है। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा सर्विस देने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी एक बार विज़िट करिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी सर्विस देंगे हम। और पार्सल का भी हमारे पास अवेलेबल है और अगर ऑर्डर भी अगर है बनाने का किसी के पास, तारी हो, बिरयानी हो, बैठा हो, कुछ भी हो, हम बना के देते।
सहरी की टाइमिंग सुबह में शहर में 2:30 बजे से 5 बजे तक है हमारे पास अवेलेबल इंशाल्लाह। एड्रेस टीपू सुल्तान चौक और आयशा मस्जिद के अपोजिट हमारी होटल है, बस स्टैंड के पीछे साइड में। आप एक बार विजिट करिए, इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे, अच्छे से अच्छा टेस्ट देंगे। बस